तो हाउ टू यूज़ कैस्टर ऑयल। तो जो कैस्टर ऑयल है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ऑयल है। लाइक अगर एक ऑयल बोलें जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो है कैस्टर ऑयल। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो होने वाली है कैस्टर ऑयल को लेकर। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री आर्ट एंड टिप्स। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कैस्टर ऑयल के बारे में, तो ये जो कैस्टर ऑयल है उसके अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इतने सारे हैं कि लाइक आपकी लिस्ट ख़त्म हो जाएगी, बट इसके बेनिफिट्स ख़त्म नहीं होने वाले हैं। लाइक अगर आपको है ना अपने हेयर ग्रोथ को इन्हेंस करना है तो आप कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने बालों में से डैंड्रफ से छुटकारा पाना है तो आप कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, उनमें शाइन नहीं है, तो आप कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके स्कैल्प पर किसी भी टाइप का इरिटेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। लाइक स्किन के साथ साथ इसके है ना हेयर्स पे भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट होते हैं। बट हम इसका यूज़ करने से क्यों बचते हैं? इसकी थिकनेस की वजह से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है। लाइक अगर मैं कहूँ कि जो सबसे गाढ़ा ऑयल है कौन सा है, तो वो पक्का कैस्टर ऑयल है। लाइक ये पता आप ऐसे डालोगे ना तो ऐसे करने पर गिरता भी नहीं है, इतना ज़्यादा थिक होता है। तो अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे? थिक है इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें यूज़ नहीं करना है, जब इसके इतने ज़्यादा अच्छे है ना बेनिफिट हैं, इतने अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप सही तरीके से कैस्टर ऑयल को यूज़ कैसे कर सकते हैं जिससे आपको इसका है ना 100% रिजल्ट मिले। तो फर्स्ट टाइप तो यही है कि आप है ना डबल बॉयलर के प्रोसेस से पहले ऑयल को हल्का सा गर्म करें, और इसके बाद जब इसे आप अपने स्कैल्प पर अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम भी इसे आप है ना गर्म पानी में ही रखा रहने दें, जिससे इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल पतली हो जाएगी और आप आराम से अपने बालों में लगा पाओगे, और उतनी देर में आप आराम से मसाज भी कर लोगे। अब इसे ठंडा यूज़ क्यों नहीं करना है? तो इसे हम लोग ठंडा इसलिए डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है। तो आप इसे जैसे ही अपने बालों में लगाओगे आप, और उसके बाद ऐसे ऐसे मसाज करोगे, तो आपके बालों में फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से आपके बाल है ना टूटने लगेंगे। तो आपको ये है ना उल्टा ही रिजल्ट देगा, बेनिफिट ना करके आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको ठंडा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इसे डबल बॉयलर की प्रोसेस से गर्म करके यूज़ करना है। तो जो सेकेंड टाइप से है, आप क्या कर सकते हो, कैस्टर ऑयल में कोई और ऑयल को मिक्स कर सकते हो। लाइक जो कोकोनट ऑयल होता है एक ऐसा ऑयल होता है जो हर किसी ऑयल के साथ में बिल्कुल इजीली घुल मिल जाता है। लाइक हमारा एक जो फ्रेंड होता है ना जो सबके साथ में एडजस्ट कर लेता है, वैसे ही होता है कैस्टर ऑयल के साथ में ये कोकोनट ऑयल। मतलब कोकोनट ऑयल की प्रॉपर्टीज ऐसी है कि आप किसी भी ऑयल के साथ में से मिक्स करो, आराम से मिक्स हो जाएगा। तो आप कैस्टर ऑयल के साथ में या तो कोकोनट ऑयल को मिक्स कर सकते हो, या फिर आप है ना इसके साथ में ऑलिव ऑयल को भी मिक्स कर सकते हो और उसके बाद अपने बालों में अप्लाई करें। थर्ड वाला जो यूज़ है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपको वो एक्सट्रीम वाला हेयर फॉल हो रहा है ना, तब इस वाली चीज़ को आप यूज़ करें कि कैस्टर ऑयल में आपको मिक्स कर लेना है ऑनियन जूस। ऑनियन जूस को मिक्स करके कॉटन की हेल्प से अपने स्कैल्प पर लगाएं, बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा। तो मैंने आपको तीनों टाइप बता दिए हैं कि आप कैसे कैसे कैस्टर ऑयल का यूज़ अपने बालों में कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें, कम से कम आपको एक महीने तो अच्छे से इसे यूज़ करना होगा, वीक में दो बार, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ है ना इतनी ईजीली रिजल्ट नहीं देती कि आज लगाए और कल रिजल्ट दे दे। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में इसे अप्लाई करना होगा। अगर आप सही मेथड से सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा।